आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी बोर बीवी से तुम्हें छुटकारा मिल गया। क्या मेरी गोद को कुर्सी समझ रखा है जो बार बार आकर मेरी गोद में चढ़ जाती है हा? या कबूतर खाने का चबूतरा समझ रखा है इसको? और हाथ पांव से इतनी तगड़ी है कि किसी कमजोर आदमी की गोद के अंदर बैठ जाओ ना तो वहीं कहीं अपाहिज हो जाए वो बेचारा। और तुम क्या मेरी बीवी को बोर बोलती हो? तू बहुत बड़ी टाइम पास है हा? अरे वो तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया। अरे मैंने कभी अपने सगे बाप को प्यार नहीं किया तो तुमको क्या प्यार करूंगा मैं? हाँ, और एक बात खान खोल कर सुन लो, मेरी बीवी इतनी बड़ी बोर नहीं है जितनी बड़ी तू चोर है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो, तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बड़ाऊ, और तुम मुझी को कोस रहे हो बड़ाऊ। हाँ बड़ाऊ, बेटी को पाला वो सब बंगले के अंदर, और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया सारा चाल के अंदर। अरे वो तो कम अकल थी, लेकिन तुमको तो अकल थी, तुम रोक सकते थे उसको, लेकिन नहीं, मैंने तुमको अपना गुरु माना। और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे, और बोले बेटा मांग भी। बड़े दामाद को देरी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर, कहां गरीबों की दुआ लगेगी? मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गांव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से? इतना भी नहीं कि महीने दो महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। दो तो बेटी पैदा कर सकते हो, दो घर दबा नहीं पाल सकते ना। तुमको ना मेरे घर के मामले में बोलने वाली? चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी, शट अप। मुझे ये मैं क्या, ये वकील क्रिकेट खेलने का मूड में क्या? दो बॉल में दो विकेट, इरादा क्या है तेरा? क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? हे भगवान, अब मेरा डिवोर्स होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या हो गया मुझसे? सिर्फ मेरा बेटा चिंटू बचा सकता है। चिंटू बेटे मैं आ रहा हूं। अरे भैया सुनो, जल्दी से सेंट एंड्रयू स्कूल चलो। ओ पाजी, वो तुझे मैंने पहचाना, लड्डू सिंह पाजी, असली लड्डू सिंह है। जो भी जल्दी चलो यार, जल्दी चलो, चलो बैठो। लड्डू सिंह आ गया, बड़ा पता नहीं कौन होगा लड्डू सिंह। वो पाजी वो गड्डी नहीं है। ए अरे यार जल्दी चलो यार। पाजी तुझे मैंने पहचाना नहीं? अरे जब तुसी पहली बार बंबई चाहे से ना तो मैंने तुहानू आनंद महल छड़िया सी, और तुसी मैंने सलाह दीती सी कि पाजी किराए दी टैक्सी चलाने ची फायदा है, अपनी गड्डी कदी ना खरीदना। यार पहली बात तुम कोई अनिल कपूर हो जो तुम्हारी शक्ल देखकर मैं पहचान लूं? 1.5 लाख टैक्सी चलाने वाले लोग हैं शहर के अंदर, किस किस का चेहरा मैं याद रखूंगा? और दूसरी बात यह कि तुमको मैंने सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं पहचान गया हूँ कि तुम्हारी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, टैक्सी का तू घास खरीदेगा, और तुम क्या खाते, क्या अनाज खाते हो कि घास चरते हो मैदान में जाकर? कौन पैसेंजर किस मूड में आकर बैठा हुआ है उसकी कोई होश नहीं है, उसको सड़ाना शुरू कर दिया, और तुम्हारी बीवी तो मजबूर होगी, झक मार के उसको तुम्हारे साथ रहना पड़ता होगा। अगर मैं तुम्हारी बीवी होता ना तो खसमाड़ू खाने सेकंड लात मार के मैं तुमको बाहर निकाल डालता और डाइवोर्स करता, तलाक देता मैं तेरे को। ओए ओए खोते दे पुत्र रे, ओ लड्डू पाजी, ओ नीचे उतर। ओ नहीं, ओ नीचे उतर। ओ यार गलती हो गई, ताली दे बैगन, नीचे उतर। ओ एक मिनट यार, क्या मैं क्या नीचे उतर रहा? ओ लड्डू पाजी, ओ चल जल्दी, सच बर्दाश्त नहीं हुआ, जुलाब लग गए। तारा तो यहाँ क्या करने आयो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो हट जाओ नजरों के सामने से, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने बुगी बुगी शो करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपना कैसेट लेने के लिए आया हूँ। कैसेट? कौन सा कैसेट? अरे वही कैसेट जो दिन मैंने तुमको गिफ्ट के अंदर दिया था, उसके अंदर आई थी
यही तो रहती थी उसे मैंने। चाचमी, निकलो मेरे घर से, निकलो। अच्छा, पहले तो हमेशा फोन करके पूछती थी कब आओगे कब आओगे, अब घर में आता तो बोलती कब जाओगे। तुम औरतों की अदा है ना, ऊपर वाला ही बचा है। देखो ये पूरा का पूरा कबाट मेरी ही गिफ्टों से भरा हुआ है। हाँ, इनमें से आधी चीजें भी मैंने अगर अपनी बीवी को दी होती ना तो जिंदगी भर मेरे गाल चूमती रहती, लेकिन नहीं। अरे सड़क के ऊपर से कभी गजरा भी नहीं लेकर दिया मैंने अपनी बीवी को। पता नहीं कहा ये क्या लव लेटर संभाल के रखे हुए, पेट भर भर के झूठ लिखा हुआ मैंने इसके अंदर। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। अरे और देखोगे भी नहीं, मेरे लेवल का लोग बार बार पैदा होते हैं क्या? वैसे एक बात बताओ, तुमसे प्यार तो बहुत हो गया था मुझे, शादी के चक्कर में भी मैं आ गया था, फिर बाद में मुझे हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी बीवी बच्चा तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा क्या? मैं तो साला बेशरम आदमी। अरे ओ वकील साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है कोर्ट? अरे वकील लाइन बदली क्या? अबे तेरे को नुक्कड़ पे पकड़ूंगा, ए स्टैंड कर गाड़ी। अरे वकील, अरे भाई भागने का काम चोर लोग का है, वकील लोग का नहीं यार। ये क्या लगा ला, खड़े रहना, बात सुनना यार। एक बात बताऊं, जब 10 आदमी मिलकर एक आदमी का पीछा कर रहे होते ना तो 10 को इकट्ठा रहना बड़ा जरूरी होता है, वरना क्या होता है मालूम है? मैं अकेला है। अकेले को बहुत मारा रे।